Hey guys, this is Sunil Jain and you are watching Full Sundar EduTech. Guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म 2019-20 में कैसे भरें. As you know, every government employees को दिसंबर में और फरवरी में इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म भर के और अपने DDO को सबमिट करना होता है. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे इसको भरें. तो चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में इनकम टैक्स कैलकुलेशन को भरने का बहुत ही आसान तरीका सीखते हैं. तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में RSS राष्ट्रीय ये टाइप करना है और ये एक साइट खुलेगी. यहाँ से आपको ये आयकर गणना प्रपत्र डाउनलोड में जाएं. डाउनलोड में आयकर को क्लिक करेंगे तो ये आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 इसको आपको डाउनलोड करना है. इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा. ये डाउनलोड होने के बाद आपको इसको अलग अलग नाम से इसको सेव कर लेना है. जितने भी पर्सन के लिए, जितने व्यक्तियों के लिए आप इसे भरें, अलग अलग नाम से इसे सेव करके और आप इसको भरें. तो डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, ये इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी. यहाँ आपको यस करना है. यस करने के बाद सबसे पहले आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस कुछ दिखेंगे, हाउ टू यूज़. तो आप इसको पढ़ सकते हैं और वैसे मैं आपको आगे सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा. यहाँ से अगर आपके इसके कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर हिंदी फॉन्ट नहीं है तो ये हिंदी फॉन्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके. चलिए नेक्स्ट, आगे क्या है इसमें. इसमें नीचे कुछ टैब्स दिखा रखी है. ये देखिए आप, हाउ टू यूज़ GA-55, अदर डिडक्शन, कंप्यूटेशन, ये चार टैब्स दिखा रखी हैं. एक एक करके हम इस पर बात करते हैं. हाउ टू यूज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया और GA-55 को जब आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह की विंडो नज़र आएगी. आप यहाँ पे शुरू से इसको करते चलें. यदि आप 1/1/2004 या उसके बाद के कार्मिक हैं तो यस चुनें, और अगर नहीं हैं, पुराने हैं 2004 से पहले के, तो आप यहाँ पे नो चुनें. यहाँ से क्लिक करके आप और यस और नो क्लिक कर सकते हैं. इसके बाद आप, क्या आपने समर्पित वेतन लिया है, सरेंडर अगर आपने लिया है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यस और नो के ऑप्शन आ जाएंगे. जैसा भी है वैसा आप चूज कर लें. और अगर आपने सरेंडर लिया है तो कौन से महीने में लिया है, यहाँ आप मंथ को चूज कर लें. यहाँ से मंथ आ जाएगा, मंथ को आप चूज कर लें तो ये ऑटोमेटिक उसमें कैलकुलेशन में दिखा देगा आपका. क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आप 60 से 80 की एज में आते हैं तो यहाँ से आप यस चुनें, नहीं तो नो रहने दें. और इसके बाद क्या आपने बोनस मिला है, अगर आपको बोनस मिला है तो आप यहाँ से क्लिक करके और यस चुने, नहीं तो नो रहने दें. जो ग्रेजुएटेड हैं, राजपत्रित अधिकारी, उनको बोनस नहीं मिलता है तो वो नो रहने दें. फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं अपन, नेम्स वगैरह चेंज कर लें आप इसके. ये यहाँ इसको क्लिक करके और आप नाम चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करें और जो भी आप पूछिए वो आप नाम यहाँ पे, ये जैसे भी आप इसको बैक स्पेस करके और इसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, एम्प्लॉयज नेम में इसको क्लिक करें और डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके आप अपना नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. पोस्ट आप चेंज कर लें, पैन, टैन नंबर, SI नंबर, GPF नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर लें. यहाँ से चेंज करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है. यहाँ सबसे पहले जो मार्च 19 की जो सैलरी यहाँ दिखा रखी है, यहाँ पे आपको बेसिक चेंज करनी है और बेसिक चेंज करते ही सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक से कैलकुलेट कर लेता है. और इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है. इसके बाद आप अपनी GPF, SI वगैरह जो कटौतियाँ, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है, तो आप उस हिसाब से अपनी जो डिडक्शंस हैं उनको आप चेंज कर लें. इनकम टैक्स में कितना कट रहा है, RPM, ये RPM में सबके बराबर है. और इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पे मैनेजर से अपना GA-55 डाउनलोड करके रखें और GA-55 से आप इसको मिलान करते रहें. तो फ्रेंड्स, ये है बिल्कुल आसान तरीका
यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक आ जाएगी। फरवरी 2020 तक की सैलरी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेगा ये। इसके बाद डीए एरियर जो आपका जमा हुआ है उसकी कैलकुलेशन कर लेगा ये। इसके बाद सरेंडर अगर आपने यस किया है ऊपर तो ऑटोमेटिक उसकी कैलकुलेशन कर लेगा। सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट ऐप जो है अदर डिडक्शन। अदर डिडक्शन में यह जो भी आपके सैलरी के अलावा जो भी चीज़ें आपकी कट रही है उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एचआर में छूट लेनी है तो आप यहाँ क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आपके हाउस लोन अगर चल रहा है, हाउस लोन की किस्त कितनी है और मूल कितना है, वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे डाल दें। LIC है, PLI है, ट्यूशन फीस है, NSC है, PPF है, जो भी इक्विटी स्लिम जो भी है आपकी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एंटर फिगर डालना है। ये सब करने के बाद इधर बचत खाते से ATC के अलावा भी जो भी आपकी डिडक्शंस हैं वो आप यहाँ पे शो कर दें। मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह है या आप यहाँ पे जैसे तो डोनेशन अगर दिया है तो वो डाल दें। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दें तो ये ऑटोमेटिक कंपटीशन में दिखा देगा। अब ये लास्ट की जो टैब है कंपटीशन, कंपटीशन में ये ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन होके और रेडी है, ये आपका रेडी है। तो फ्रेंड्स ये है तरीका इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म भरने का। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप खुद ये काम कर सकते हैं। बाजार में हम जाते हैं कंप्यूटर शॉप पे और वहाँ अपना टाइम और पैसा दोनों खर्च होता है, तो ये काम आप खुद घर बैठ के कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसका प्रिंट लेना है तो यहाँ आप क्लिक करें और ये प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू ये देखिए आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। आप इसी पेज के पीछे आप GA55 को क्लिक करके इसका प्रिंट ले लें। इसी पेज के पीछे ये GA55 का आ जाएगा और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।